अभी हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चैप्टर चालू है, चैप्टर फोर्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हम प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग ये सब चीजें खत्म कर चुके हैं। अभी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन बोले तो गवर्नमेंट कंट्रोल में आने वाली है बैंक के, ड्यूरिंग द टेन्योर बोले पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। बैंकिंग वॉज अ मोनोपोली ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर, मतलब सिर्फ पहले प्राइवेट सेक्टर थे, और जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ तब पब्लिक सेक्टर हो गए। दिस बैंक रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, द डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक्स वर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अभी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम करने लग गए थे बाद में। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल ऑफ द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक इन 1955 एंड गॉट इट कन्वर्टेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या नाम से थी पहले? इंपीरियल बैंक थी। दिस बैंक ओपन्ड सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री इन अ शॉर्ट वाइल एंड प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट। बैंक नेशनलाइज होने की वजह से सबको एक्सेसिबल हो गई, पहले प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट के लिए थे तो सबको एक्सेसिबल बैंक नहीं थी, अभी सबके लिए एक्सेसिबल हो गई, उसके वजह से क्या हो गया, डेवलपमेंट एकदम फास्ट रेट में होने लग गया। बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, इंडिया हैड अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का ये कंसेप्ट सिखा दिया है मैंने, जिसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ये हमें बोथ रहते हैं, इसको मिक्स्ड रहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज एसेंशियल टू कवर द डेफिसिट इफ ऑकर्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द डिफरेंट स्कीम। ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक, ये पढ़ेंगे हम, ये पैराग्राफ खत्म कर देंगे बाद में, पहले वुड सॉरी कम इन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी वंस दे वर नेशनलाइज। अब गवर्नमेंट के पास पैसा भी आने लगेगा और गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च कर सकती है। अलोंग विद दिस पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैड टू बी इंप्लीमेंट, लाल बहादुर शास्त्री अंडरटूक द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, इसको बोलते ग्रीन रेवोल्यूशन, ये फर्स्ट फाइव प्लान के टाइम हुआ था, फर्स्ट या सेकंड, इन ऑर्डर टू ओवरकम फूड शॉर्टेज एंड ड्रॉट, सूखा पड़ना। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, Congress Forum for Socialist Action, a group in the Congress Party inspired by the socialist ideas, made a demand for nationalization of commercial bank. Even the Communist Party supported this demand. Communist Party ne bhi support kara tha demand. Abhi hum ye padhenge, do you know Prime Minister Indira Gandhi nationalized 14 banks at 19 July 1969. Ye important hai. This included Allahabad Bank, Bank of Baroda, sab nationalized hua tha. बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 1986 मोर ब्रांचेस वे नेशनलाइज। नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये कंसेप्ट चालू होता है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम्स ऑन 1st जुलाई 1975 एंड रिजोल्व टू मेक फ्री एफर्ट्स टुवर्ड्स रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। द मेन प्रोविजन ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोस। पहला वाला क्या है 20 पॉइंट प्रोग्राम? लैंड सीलिंग फॉर सिटीज। अब देखो फॉर सिटी मतलब इतने तक लिमिट तक तुम लैंड होल्ड कर सकते हो। पहले क्या होता था, इंडिया में प्रिंसली स्टेट रहते थे, जैसे मैंने बोला ना आपको एक्सप्लेन करा था मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के वीडियो में, कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो फॉर पहले क्या था, आइदर यू गो विद पाकिस्तान, आइदर यू गो विद इंडिया, और आइदर यू रिमेन फ्री, ऐसे इनके हाथ में थे। तो हैदराबाद वगैरह इंडिया के अंदर लाया गया था निजाम के रूल से, एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो है ना, पहले जो राजा महाराजा लोग थे वो कितना भी लैंड होल्ड करके रख सकते थे, जो प्रिंसेस लोग थे, जैसे सैफ अली खान के फादर थे ना नवाब पतोड़ी, वो कितना भी लैंड होल्ड कर सकते थे। बट बाद में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये सीलिंग ला ली, तो तुम इतना इतना ही लैंड अभी होल्ड कर सकते, बाकी कुछ नहीं। फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चर लैंड, इक्वल डिविजन ऑफ वेल्थ, मिनिमम वेजेस ऑफ वर्कर, इंक्रीज इन वाटर कन्वर्जेशन, मतलब लोगों वर्कर को कम से कम इतनी पगार तो देनी चाहिए। तुम क्या करेंगे, फीमेल वर्कर है उससे दिन भर काम कराएंगे और उसको पगार देंगे एट द एंड ऑफ द डे 100 रुपए, उससे चलेगा क्या? हाँ, वो टाइम पे 100 रुपए बहुत ज्यादा थे, बट आज के जमाने में 100 रुपए कुछ काम के नहीं, 100 रुपए महीना भी दे रहा था सपोज तो कुछ काम का नहीं था। बट इंदिरा गांधी क्या बोलती थी, नहीं तुम्हें मिनिमम वेजेस सेट करने पड़ेंगे वर्कर के ऊपर, चाहे वो मेल वर्कर हो या फीमेल वर्कर हो। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम,
फ्री बॉन्डेड लेबर बंधवा मजदूर, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इविजन, टैक्स इविजन टैक्स की चोरी, इकोनॉमिक क्राइम से स्मगलिंग भी तब हुआ था, रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटी, इंप्रूवमेंट इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, अभी एक्सप्लेन करा था मैंने पीडीएस बोलते क्या रहता, इंप्रूवमेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शन, हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल, इश्यू ऑफ वर्कर्स, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वर्कर का इश्यू वॉज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1851 बाय कावासजी दवार, उन्होंने चालू करी थी. Eventually, mill started in the Dadar, Paral, Bhaikhala, Shivdi, Prabhadevi and Varli. This part came to be known as the Girgaon or Towns of Mills. ये पार्ट को Towns of Mills बोला जाता था. शायद तुम्हें पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव में. In 1980, the increasing unrest among workers was due to the economic condition in other sectors. Economic बोले तो relating to money. In some industry, the wages of the workers were increasing. They were also getting more amount of as bonus. They were getting more facilities than the textile mill workers. Abhi Mahatma Jyotirao Phule, associate Narayan Meghaji Lokhande's efforts resulted in the weekly Sunday holiday. Matlab Sunday ko chutti chahiye, Sunday ko kaam mat karo. For mill workers from first, abhi Friday kuch. हफ्ते में एक दिन तो सबातिकल डे चाहिए, सबातिकल बोले तो विच हॉलीडे. इन दिवाली 1981 द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट द बोनस ऑफ 20%. द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ विच वाज नेगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर्स एग्रीड अपॉन 8%, मतलब 20% बोनस मिलना चाहिए था उनको. सपोज 100 रुपए पेमेंट है तो 100 रुपए मतलब 20 रुपए उनको बोनस मिलना चाहिए था 100 रुपए के अलावा, बट उनको कितना मिला 8-17% के बीच में, अपॉन 8-17% बोनस विदाउट टेकिंग द वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस. The cut in the bonus proved to be the cause of unrest. Some worker went to Dr. Datta Samant. They asked him to accept their leadership. Workers of 65 mills came together and Dr. Datta Samant led to strike. Strike बोलते हड़ताल लग गई थी ये बोनस की वजह से. On 18 January 1982, 2.5 lakh workers went on strike. Girgaon mill stopped running, making it seems like Mumbai's heartbeat stopped throbbing. Throbbing बोले तो धड़कना, अगर Girgaon mill वो बंद हो गई थी तब बात है. अभी आगे do you know में the working class had contributed culturally as well as through folk theatres. Folk बोले तो common people सा. Folk art and literature. अन्ना भाऊ साठे, साहिर अमर शेख, साहिर साबड़े were popular for the his programs aimed at the publication education. Poets like Narayan Surve, Namdev Dasal etc. portrayed the real life of the workers through their poems. The Chief Minister of Maharashtra, Barrister A.N. Antulay, set up a committee to solve this issue. Of course, Maharashtra mein problem hua tha, toh Maharashtra ka Chief Minister karega na. Later, Babasaheb Bhosle became the Chief Minister of Maharashtra State. He insisted that as per law, he would talk only with the Rashtriya Mill Mazdoor Sangha. Dr. Datta Samant demanded that the law be revoked. Matlab law mein bhi changes laya jaye. Zahir si baat hai na. लॉ में चेंजेस लाना इसलिए जरूरी होता है. देखो सपोज फॉर हमारा लिखा है 1947 में, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या कोई भी लॉ में सपोज फॉर एग्जांपल, हाँ मेरे को एक बेस्ट एग्जांपल आ जाता ये औरंगपुरा की जो जमीन है, मेरा फ्रेंड रहता था उन्होंने वो लीज पे ली थी जमीन, तो 100 ईयर्स पहले सपोज उसका रेंट था 10 रुपए, अब 100 ईयर्स पहले रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से वो जगह की रेट बहुत ज्यादा थी, 10 रुपए बोले तो बहुत ज्यादा थी पर मंथ था, और 100 ईयर्स के बाद अभी भी 2010 के आसपास भी वो 10 रुपए देता था पर मंथ. तो लॉ इज टू बी चेंज. वो टाइम पे जो एप्लीकेबल था वो ये टाइम पे भी एप्लीकेबल होगा, ये जरूरी नहीं है. अब मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट पैराग्राफ. In the beginning, the striking worker received help from the native villages. It was also not very difficult for them to help each other. They set up departmental communities and distributed food grain, assistance in the form of funds, etc. The left parties had supported the strike as the strike dragged on. मतलब ज़्यादा बढ़ गई. Efforts were made to split the striking workers' rank. Even as the strike completed 6 months,
सेंट्रल गवर्नमेंट कम्प्लीटली इग्नोर्ड, मतलब 6 महीने तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इग्नोर करा उनको, आज खत्म होगी कल खत्म होगी, पर उनको सपोर्ट मिलता ही जा रहा था. द वर्कर स्टार्टेड अ जेल भरो एजिटेशन इन सितंबर 1982. 1.5 lakh वर्कर्स टुक अ मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, इसको विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं महाराष्ट्र के. It didn't help at all. The strike completed a year. This was the first strike that to have gone for a year. In this period, about 1.5 lakh workers became unemployed. Berozgar. As polyester had come into great demand than cotton cloth, the sale of mills cloth had already got affected. The mills moved from Mumbai to Surat in Gujarat. Matlab Surat mein move kar di gayi thi. The central government nationalized 13 textile mill. Appointment of arbitrator did not help to resolve this issues. ये issue भी resolve नहीं हुआ क्योंकि nationalization आ गया था बीच में और central government ने ignore